इस वक्त आप जो चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की एक अपडेट मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में कोविड 19 के संक्रमण की दर में जो है गिरावट देखी गई है, कमी देखी गई है। उसके बाद जो है प्रदेश में कई प्रतिबंध पर छूट दी गई है। जी हाँ, जैसे कि जो रविवार को जो लॉकडाउन था उसको भी अनलॉक कर दिया गया है और कई बहुत सारे प्रतिबंध है जिन पर छूट दी गई है कोविड 19 के संक्रमण के जो कमी, उस दर में कमी को देखते हुए। जी हाँ, तो वही एक और अपडेट मैं आपको बता दूं इसी को लेकर के, जो है रात्रि कर्फ्यू का जो समय है उसे भी बदल दिया गया है। जी हाँ, रात्रि कर्फ्यू जो पहले 10 से सुबह 6 बजे तक था उसे अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। जी हाँ, ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है कि रात्रि कर्फ्यू जो है उसका समय बदल दिया गया है और उसे रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। कई प्रतिबंध में जो है छूट दी गई है, कोविड 19 के संक्रमण में कमी देखी गई है, इसी वजह से है जो प्रतिबंध में कई प्रतिबंध में जो है छूट देखी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही सतर्क ना रहें, अभी भी जो है खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है। कोविड की जो है तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है और दूसरी बीमारियां भी है जो वो जन्म ले रही है। तो उसी को देखते हुए वॉइस ऑफ एमपी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जी हाँ, ये थी इस वक्त की अपडेट के रात्रि कर्फ्यू जो है वो अब 11 से 6 हो गया है। जी हाँ, इस वक्त की अपडेट थी। जैसे कि आपने जानी, ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।